सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। दुनिया भर में इस फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्यों धमाल मचा रही है? क्या इसकी वजह सलमान खान है या कोई और? क्या है फिल्म की सक्सेस का राज? देखिए इस रिपोर्ट पे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। ये फिल्म 200 का आंकड़ा पार कर अब 250 करोड़ क्लब में भी शामिल होने वाली है और जल्द ही 300 तक भी पहुंच सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने का राज क्या है? इस राज का लिंक किसी और से नहीं बल्कि पीएम मोदी से है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि टाइगर का मोदी से क्या लिंक, लेकिन ये सच है और इसका खुलासा खुद फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने किया है। अली अब्बास जफर ने टाइगर जिंदा है कहानी को 2014 के बंधक बचाओ अभियान से जोड़ा है, जिसमें भारत ने इराक में इस्लामिक स्टेट के कब्जे से 46 नर्सों को बचाया था। उस वक्त केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई थी। उसी घटना से प्रेरित होकर फिल्म टाइगर जिंदा है की कहानी को लिखा गया था। जफर के मुताबिक ये फिल्म मोदी और इस मिशन को सम्मान देने के लिए बनाई गई है। तो अब समझ आया टाइगर जिंदा है की सक्सेस का राज। इस फिल्म की कहानी बंधक बचाओ अभियान से जोड़ी है, इसलिए इसे पसंद किया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।